नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत शर्मा ट्विजार्ड्स ऑटोमोबाइल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति स्विफ्ट की 8 खूबियां और 10 कमियों के बारे में। ये प्रोज एंड कॉन्स हैं जिनके आधार पे आप अपना बाइंग डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत, ताकि आप गाड़ी को थोड़ा सा और बेहतर जान जाएं और उसके बाद अपना बाइंग डिसीजन लें। पेट्रोल के अंदर 5,14,000 से 8,00,000 के बीच में और डीजल के अंदर 7,00,000 से 9,00,000 रुपए करीब, इस रेंज के अंदर मारुति स्विफ्ट आपको मिल जाती है। इंजन डीजल में जो कि इसी साल आपको मिलेगा, अगले साल से बंद होने वाला है, 1248 सीसी का, वही जांचा परखा देखा भाला अच्छा मारुति का इंजन मिल जाता है। पेट्रोल के अंदर आपको 1200 सीसी का 1.2 लीटर का इंजन मिल जाता है। इंजन की पार आपको डीजल के अंदर 75 PS और पेट्रोल के अंदर 83 PS की मिलती है। इंजन ओवरऑल काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ ये मूव करते हैं पहले फायदे के ऊपर अगर आप मारुति स्विफ्ट लेते हैं, और वो है इसके इंजन की रिस्पॉन्सिवनेस। ओवरऑल मारुति ने इस इंजन को सालों साल इम्प्रूव कर करके और गाड़ी के वजन को भी इसके हिसाब से एडजस्ट करके ऐसा बना दिया है कि गाड़ी चलाते हुए आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी पैपी लगता है। इनफैक्ट अगर कॉम्पिटिशन की कुछ कार से कंपेयर करेंगे तो आप सेम थोड़ी, अगर किसी के पास ज़्यादा इंजन कैपेसिटी भी आ रही है, इंजन बड़े आ रहे हैं, इंजन की पावर टॉक ज़्यादा आ रही है, उन केसेस में भी मारुति का इंजन आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिव मिलता है, स्पेशली बिकॉज ऑफ द पावर टू वेट रेशियो। दूसरे नंबर का फायदा हमें नजर आता है जैसे हम गाड़ी के अंदर एंटर करते हैं, इसका जो स्टीयरिंग है वो फ्लैट बॉटम है। मारुति ने इसका डिजाइन और शेप चेंज किया है, देखने में काफी आकर्षक लगता है। खूबी नंबर 3 इज इसकी कंफर्टेबल सीट्स। आप सीट पे बैठेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि एक ड्राइवर सीट बनाई गई है, आपको लंबी जर्नी में थकान नहीं होगी, काफी कुशन फील होता है और थाई सपोर्ट भी काफी अच्छा है। चौथी खूबी है गाड़ी का इंफोटेनमेंट सिस्टम। स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। वॉइस कमांड रिकग्निशन है और नेविगेशन भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं। पांचवी खूबी का आपको एहसास होता है जैसे ही आप आगे मूव करना शुरू करते हैं, स्टीयरिंग को यूज करना शुरू करते हैं। स्टीयरिंग काफी रेस्पॉन्सिव है, काफी लाइट है, तो लॉन्ग जर्नी में आपको थकान नहीं होने वाली। छठी खूबी है 60-40 स्प्लिट सीट। देखिए, मैं इस पर्टिकुलर फीचर को एक खूबी इसलिए मानता हूँ, जिन लोगों ने ये यूज़ किया है पास्ट के अंदर, 60-40 स्प्लिट सीट्स यूज़ करी है, वो अपनी नेक्स्ट कार में डेफिनेटली इस फीचर को चाहते हैं। काफ़ी बार लाइफ में ऐसा आता है, मतलब रोज़ नहीं आता, लेकिन काफ़ी बार लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे आपको सामान कैरी करना होता है और पीछे भी कोई यात्री को बैठना होता है, उस समय यह फीचर काफ़ी उपयोगी रहता है। स्विफ्ट के अंदर डेफिनेटली ये आता है। सातवीं खूबी जो मुझे नज़र आई थी वो था जो पीछे का इंटीरियर है सिल्वर फिनिश के साथ, वो काफ़ी आकर्षक लगता है। तो ये गाड़ी को थोड़ा सा और प्रीमियम दिखाने के लिए, लगाने के लिए मारुति ने इसके अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। लास्टली और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे इसकी रीसेल वैल्यू के बारे में। स्विफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ईजिली अच्छी रीसेल वैल्यू गैदर कर लेता है मार्केट के अंदर। तो लोग अगर आप उसको सेकेंड हैंड, मतलब गाड़ी को बेचना चाहते हैं थोड़े समय बाद, आप चाहते हैं एक बार अभी यूज़ करें गाड़ी को और थोड़े समय बाद उसको रीसेल करना चाहते हैं, तो स्विफ्ट आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है। आइए मूव करते हैं कमियों की तरफ। कमियां सुनते हुए भाई नाराज मत होना, सिर्फ इतना समझना कि मैं वो कमियां बता रहा हूं जो कि कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक फीचर चाहिए होते हैं। अगर वो होते तो अच्छा रहता उन कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पे मैं एनलिस्ट करूंगा 10 ऐसे फीचर्स जो कि कस्टमर चाहते थे, 10 ऐसी चीज़ें जो कि कस्टमर चाहते थे लेकिन वो आपको स्विफ्ट से नहीं मिलती, वो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं होती। तो कमी नंबर 1 जो काफ़ी लोगों को नज़र आती है, मुझे भी आती है, वो है रियर सीट थोड़ी क्रम्पल्ड आपको महसूस होगा। अगर आप 3 लोग बैठ रहे हैं तो 3 लोग आसानी से नहीं बैठ पाते, अच्छा शोल्डर रूम नहीं मिलता है। दूसरी कमी है कि पीछे बैठे हुए लोगों के लिए कोई रियर लाइट नहीं है, नो रीडिंग लाइट। आजकल रीडिंग लाइट काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन वाले दे रहे हैं ताकि पीछे बैठा यात्री आसानी से कुछ पढ़ सके गाड़ी के अंदर, अंधकार नहीं लगे उसको हर जगह पर, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। चौथी कमी है कि गाड़ी के अंदर जो ग्लव बॉक्स है वो काफ़ी छोटा है। और पांचवी कमी ये है कि गाड़ी के अंदर आपको नी रूम काफ़ी कम मिलता है, आगे भी और पीछे भी। इसमें डेफिनेटली सुधार की गुंजाइश है। क्या आपको स्विफ्ट की वारंटी पता है? दोस्तों मारुति जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए, लेकिन वारंटी सबसे कम देता है। 2 साल 40,000 किलोमीटर की ये वारंटी आपको दे रहा है जो कि काफ़ी कम है कॉम्पिटिशन के कंपेरिजन में। तो मेरे हिसाब से ये है कमी नंबर 6। सातवीं कमी ऐसी है कि उसको कमी भी मान सकते हैं और खूबी भी मान सकते हैं। कमी इसलिए कि इंजन सेम है, सालों से स्विफ्ट का इंजन जो आ रहा था वही पावर टॉर्क, वही इंजन साइज, वही इसी गाड़ी की नई स्विफ्ट के अंदर भी यूज़ किया गया है। और अगर खूबी मानना चाहें तो खूबी ऐसे है कि भाई जांचा परखा इंजन है, वाई चेंज इट। आठवीं कमी सही में काफ़ी बड़ी कमी है जो कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है जो कि काफ़ी कमज़ोर है। ऑल दो मारुति कहता है कि वो नया हार्ड टेक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है, लेकिन कस्टमर्स का फीडबैक ये रहा है कि छोटी मोटी कोई दुर्घटना होती है उसमें बॉडी सी काफ़ी ज़्यादा क्रम्पल कर जाती है, काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस रिपेयर का कॉस्ट लग जाता है और सीवियर दुर्घटना में जान हानि भी हो सकती है।
एक छोटी सी कमी और है जो कि मैंने शायद वेगनार के वीडियो में भी आपको बताई थी कि जो को ड्राइवर था उसके लिए कप होल्डर पहले मारुति के सारे वेरिएंट्स में आया करता था, अब मारुति वो एक एक करके सब में से हटाया जा रहा है, तो स्विफ्ट के अंदर भी को ड्राइवर के लिए कप होल्डर लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉप आउट कप होल्डर होता है वो नहीं आ रहा है अब। लास्टली हम बात कर सकते हैं इसके रियर एसी वेंट्स के बारे में। कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आजकल कि मारुति स्विफ्ट के अंदर भी रियर एसी वेंट्स दें, वो इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है, होता तो बेहतर होता। तो दोस्तों ये थी कुछ खूबियां और कमियां मारुति स्विफ्ट के बारे में। इट्स अ वेरी हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन इंडिया, इंडिया में काफ़ी अच्छे नंबर से बिकता है, हमेशा टॉप 10 में रहता है और एक अच्छा परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है, इसकी अच्छी रीसेल भी आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको इसमें जो कमियां मैंने बताई है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको इस प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए, और खूबियां आपके लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। आपको स्विफ्ट कैसी लगती है कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, वो और भी लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है। आज के वीडियो में इतना ही, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।